यह सीखी। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम देखने जा रहे हैं, और पिछली वीडियो अगर आपने देखे तो आपको और ज्यादा समझ में आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये अभी बनाई जा रही है। मैं परमेश्वर की दासी ग्लोरिया यहाँ पर है, उससे पूछना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में क्या आपने सीखा है कुछ, कि जब परमेश्वर के भक्त ने पूछा है कि वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है, परमेश्वर के भक्त ने जब उससे पूछा कि वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है, तो उसने उस स्थान को दिखाया, उस जगह को दिखाया कि वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है। गुड, वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष दे। हम इसी तरीके से अगर हम सारी वीडियो देखते हैं तो हमें उस मैटर को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के भक्त को जब बताया गया कि वो कहाँ गिरी है, तो उसने उस स्थान को दिखाया और वहां पर उसकी मदद की गई कि एक लकड़ काट कर उस जगह पर डाल दी गई, पानी पर डाल दी गई, और पानी के अंदर वो लकड़ गई है। वहां ये नहीं लिखे कि वो पानी के अंदर गई, पर लोहा पानी पर तैरने लगा, उस लकड़ के ऊपर आ गया। और जब लकड़ के ऊपर आ गया तो परमेश्वर का भक्त इस प्रकार से कहता है, वो सातवां पद है, सातवां पद हमें ये कह रहा है कि उसने कहा उसे उठा ले। परमेश्वर के दास ने कहा उसे उठा ले। जो मांगी गई चीज थी, जो हथियार चलाया जा रहा था, उसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, कि अब वो कुल्हाड़ी जो पानी में गिर गई थी, वो पानी पर तैर रही थी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर की सामर्थ ऐसी है प्रियो, की लाल समुद्र को दो भाग कर देती है। परमेश्वर की सामर्थ ही है, जो काम हमारे लिए मुश्किल है, जो चीज गुम हो गई उसको द्वारा पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी परमेश्वर ही है जो आपकी केयर करता है और आपकी इन चीजों को वापस करवा दे सकता है। तो आइए यहाँ पर वचन देखते कि उसने कहा उसे उठा ले। जब ऐसा कहा गया कि उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ये खुशी की बात है कि उसकी खोई हुई चीज को उसने उठा लिया और हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जिस स्थान पर आपका नुकसान हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उस बात को परमेश्वर के सामने जाहिर किए करें, परमेश्वर के सामने उसे खुले आम पर बोल दिया जाए और उसे बताए, तो वो स्थान दिखाने के बाद ही परमेश्वर आपको आपका सोल्यूशन करेगा। आपको पता है कि नए नियम के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसका एक सिक्का गुम हो गया, और सिक्का गुम होने पर कहते कि वो जी लगाकर घर को झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए वो करती ना रहे, ऐसा लिखा है कि वो करती रहती है, उस घर को ढूंढती रहती है, उस घर के सारे कपड़ों को इधर उधर कर देती है, वो सोफा उठाती है, सोफे के नीचे झाड़ू लगाती है, और ना जाने क्या क्या करती है, वो थक जाती है क्योंकि उसका एक सिक्का गुम हो गया है। और जब तक वो मिलता नहीं है प्रियो, तब तक वो उसे ढूंढती रहती है। वो सिक्का कहाँ गिरा उसे भी अंदाजा नहीं है, पर उसको अंदाजा यह है कि वो सिक्का मेरे घर में गिरा है। जिस प्रकार से इसकी कुल्हाड़ी पानी में गिरी, क्योंकि वहां परमेश्वर दास अवेलेबल था, वहां पर उपस्थित था, इस कारण से उसने तुरंत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि कहीं वो पानी बहता पानी है, यर्दन का बहता पानी, इस कारण से वो कुल्हाड़ी आगे जा सकती थी। अगर कुल्हाड़ी आगे जाएगी तो स्थान दिखाने में इसके लिए परेशानी हो सकती थी, इसलिए इसने परमेश्वर का दास वहीं पर था और उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, और तुरंत चिल्लाने के कारण से परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कुल्हाड़ी कहाँ गिरी है। जहां गिरी थी उस स्थान परमेश्वर के भक्त ने दिखाया, ये चेले ने दिखाया और कहा कि यहां पर गिरी है। जो स्थान दिखाया कि वहां पर एक लकड़ काट कर परमेश्वर के भक्त ने, एलिशा ने डाल दी, और जब डाल दी तो लोहा पानी पर तैरने लगा। यह सबके लिए बड़ा चमत्कार था कि लोहा पानी पर तैर रहा है। देखना, कभी भी परमेश्वर के दास को संग लेकर चलेंगे या परमेश्वर के उस आत्मा को साथ लेकर चलेंगे, जब आप अकेले नहीं चलेंगे तो परमेश्वर को संग लेकर चलेंगे, तो आपके लिए बड़ा चमत्कार होगा। कभी भी आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, आप अकेलापन महसूस करते हैं और आप सफर में परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को साथ नहीं लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पासवान को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, पर कभी कभी परमेश्वर के जन को साथ रख सकते हैं, पर परमेश्वर का हमेशा आप साथ रख सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ आप हमेशा रह सकते हैं और पवित्र आत्मा को हमेशा पुकार सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ चल, मेरा सुबह से शाम तक के सफर में आप मेरी मदद करें। हो सकता है सफर में बहुत सा नुकसान होने वाला हो और परमेश्वर आपकी मदद करे कि आपका नुकसान ना हो, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आपको कोई नुकसान ना हो, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार से इसने उस लकड़ी के ऊपर परमेश्वर के भक्त ने उस कुल्हाड़ी को ले आया, और वो अंदर जाकर कुल्हाड़ी उसके ऊपर नहीं रख रहा था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य ही थी कि उसके कहने पर कहां गिरी है, वो स्थान दिखाने पर वो लकड़ डाल दी गई और लकड़ पानी पर तैरने लगी, और लकड़ के ऊपर लोहा था, यानी लिखा है सीधी तौर से कि लोहा पानी पर तैरने लगा। सीधी बात यह है कि असंभव को संभव कर दिया परमेश्वर की सामर्थ्य ने कि लोहा पानी पर तैर रहा है। इसलिए वचन बताता है कि उसने कहा उसे उठा ले।
मालूम है क्यों कहा? क्योंकि ये चिल्लाया था, इसलिए कहा क्योंकि ये मंगनी की थी, इसलिए भी कहा कि इसे उठा ले क्योंकि भाई ये काम कर रहा था, और इसलिए भी कहा कि इसके लिए जरूरी था कि लोहे की चीजें मिलना बड़ा असंभव था उस समय में, और वो चीज जिसकी थी इसके हाथ में आई और इसने उसको वापस भी किया होगा। मैं अंदाजा यह विश्वास करता हूं कि वो चीज जो मांगी गई थी इसने वापस की है। आज भी परमेश्वर के जन, आज भी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपसे कहता है इसे उठा ले, और हाथ बढ़ा और उसे उठा। कोई भी स्थान जहां पर आप गिरे हैं, फिर से मैं कहूंगा प्रियो, आप अपने हाथ को बढ़ाओ और स्थान के लिए परमेश्वर का वचन कमांड करेगा आपको कि अब आप उठा लो। मैं ऐसा कहूंगा कि आप उठ जाओ उस चीज को लेने के लिए, उस जगह को लेने के लिए जो चीज गुम हो गई। पहले आपको प्रार्थना में दिल करता था, लगता था, आप प्रार्थनाओं में जाते थे। वचन बताता कि धन्य है जिन्हें सिय्योन की सड़क की शुद्धि रहती है। क्या आपको अपने परमेश्वर के भवन की या सड़क की शुद्धि है? ये कितने साल हो गए हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए हैं कि आप परमेश्वर के पास नहीं आए? याद रखना, आपकी कुछ चीज गुम हो गई है, आप कहीं न कहीं पर गिर गए हैं। याद रखना, जहां पर आप गिरे हैं आपको तो पता है, और ज्यादा आप गिरे रहे ना तो आप कुचले जा सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की सड़क की सुधी नहीं रख रहे हैं। यहां तो कुल्हाड़ी गिरी और एक बड़ा चमत्कार देखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का दास इनके साथ था। यहां पर परमेश्वर के दास ने कहा कि अपने हाथ इसे उठा ले, उसने कहा उठा ले, और तब उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया या उसे ले लिया, क्योंकि ये मांगी गई चीज थी और इसके प्रति ये वफादार था, और इसने चिल्लाकर कहा था। चिल्लाना एक प्रार्थना थी, एक इमरजेंसी चीज थी कि इसकी वो चीज वापस लौट आए। क्या आपकी द्वारा चिल्लाए जाने पर आपके वो आत्मिक माहौल फिर से बन सकता है? बन सकता है, मैं विश्वास करता हूं। पर ये कब होगा? जब आप वहां जाएंगे, जब आप सड़क पर चलेंगे, जब आप चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब ये काम हो सकता है, वरना नहीं होगा। ग्लोरी, में कई बार सोचता हूं कि लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप शायद ये वीडियो देखकर आत्मिक जीवन तो बना लेंगे, पर आपको वहां जाना भी पड़ेगा। कुल्हाड़ी कहां गिरी है ये आपको सोचना होगा, और जाकर परमेश्वर को और परमेश्वर के भक्त को बताना होगा कि मैं यहां पर गिर गया हूं। परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी कि इस स्थान में वो कुल्हाड़ी गिरी है, आपकी वो चीज गुम हो गई है, आप उसे उठा लें। और ये कब होगा? परमेश्वर की सामर्थ्य, बहुत सी चीजें दिखाई नहीं दे रही है, पर आने वाले समय में परमेश्वर की सामर्थ्य उन्हें दिखाना शुरू करेगी। अगर आप लापरवाह हैं प्रियो, और आपकी चीज गिरी हुई है, परमेश्वर फिर से आपको, जब आप दुख में पड़े होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आप तड़प रहे होंगे, जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पासवान आए और आपके लिए प्रार्थना करे, तब वहां पर कोई नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं यहां पर गिरा हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने घर खरीदा है और अगर आपकी कोई तारीफ ना करे, आपने गाड़ी खरीदी और अगर आपकी कोई तारीफ ना करे, आप बड़े अमीर आदमी बन गए और आपके बारे में कोई चर्चा ना करे, तो याद रखना आप अकेलापन महसूस करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि भाई कोई तारीफ ही नहीं कर रहा आपकी, कोई आपके बारे में बोल ही नहीं रहा, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है कि एक व्यक्ति जब अच्छी कमीज डालकर आया तो उसके बारे में किसी ने बोला यार कमीज बहुत अच्छी है, किससे सिलवाई है, कहां से लेकर आया, तो ऐसा लगता है कि मेरी कमीज की कीमत पूरी हो गई, मेरे कपड़े की कीमत पूरी हो गई है। उसी प्रकार से जब आप चर्च जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि आप खुश रहते हैं, आप आनंदित है, क्या कारण है कि आप इतने खुश हैं, आप इतने आनंदित हैं, आपके चेहरे पर हमेशा नूर रहता है, तो आप बता पाएंगे कि मैं वहां जाता हूं। पर जब आप हमेशा उदास रहेंगे तो पूछेंगे क्या कारण है कि आप उदास हैं, क्या कारण है कि आप कहीं तंगी महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपका चेहरा उतरा हुआ है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए वचन कह रहा है, यहां पर बताया जाता कि हाय वो मंगने की थी। आपका जीवन मांगा गया है, आपका जीवन बख्शा गया है, आपको बचाया गया है, आपके लिए किसी ने कुर्बानी दी है, फिर से मैं कहता हूं, तो आपको उठना होगा, आपको वो चीज, वो स्थान दिखाना होगा, और परमेश्वर का जन यानी परमेश्वर का वचन आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने हाथ को बढ़ा उसे ले ले। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और आकर मुझसे ले ले और सेहत में ले ले। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के उस जीवन जल को लेना, तो आपको आना होगा। कुआं आपके पास नहीं आएगा, कुएं के पास आपको जाना होगा। याद रखना,
अगर आप चाहत रखते हैं इस बात की कि मैं अपने जीवन को आत्मिक जीवन के माहौल में जीना चाहूं, तो आपकी परमेश्वर मदद करेगा कि 10 मिनट आपकी जिंदगी बदले और आपको आशीषित करे। इसलिए यहां वचन के मुताबिक उसे उठा ले, जो उसकी कीमती चीज थी, जो मंगने की थी, उसे उठा लिया गया। अगर आप उठना चाहते हैं तो आप यीशु के द्वारा खरीदे गए हैं, तो आपको उठने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको अपना हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत और कहने की जरूरत है, प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ले ले और मुझे उठा ले, मैं गिर गया हूँ, मेरा परिवार गिर गया है और हम जोखिम उठा रहे हैं, हम परेशान हैं, परमेश्वर हमारी मदद कर, और प्रभु आपकी मदद करेगा। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कितना खुश हुआ होगा कि जब उसकी कुल्हाड़ी ऊपर आई, जब उसने उसे तैरता हुआ देखा होगा तो कितना आनंद आया होगा कि कुल्हाड़ी पानी पर तैर रही है। कितनी बड़ी बात है प्रभु। क्या आप अपने उन चीजों को जो डूब गई है, गिर गई है, दिख नहीं रही है, उनको फिर से देखना चाहते हैं, फिर से अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको चिल्लाकर प्रार्थना करनी होगी। आपको कहना होगा, परमेश्वर मैं उन चीजों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब आपको याद होगा शुरू शुरू में जब आप विश्वासी बने, किसी के भी हाथ में अपने बाइबल देखी आप आनंदित हो गए, पर आज ऐसा नहीं है। आज एक विश्वासी को देखकर आप उसके ऊपर ब्लेम करते हैं और मुंह फेर कर अलग रास्ते से चले जाते हैं। आप खुद अपने पास्टर से नफरत करते हैं, आप खुद अपने पास्टर के बारे में चुगली और इधर उधर की बातें करते हैं। क्या ये आपके लिए शोभा की बात है? क्या आपके लिए फखर की बात है कि आप ऐसा करते हैं? प्लीज सावधान हो जाइए, बुड़बुड़ाने वाले लोग जंगल में ढेर हो गए। मिस्र से बड़ी खुशी और आनंद और धन दौलत के साथ निकले थे, लेकिन धन दौलत और वो जंगल में 40 सालों के दौरान दरमियान वो बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, कष्ट उठाते उठाते। क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ा रहे थे। अगर आप एक सेवक के प्रति बुड़बुड़ा रहे हैं तो याद रखना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि कहां पर आप गिरे हैं, आप उस जीवन को फिर से पा सकते हैं, और परमेश्वर का दास ये कहना चाहता है उसे उठा ले, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, और प्रभु आपको उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। मैं और परमेश्वर की दासी आपको आशीष देते हैं, प्रभु आपके साथ हमेशा बने रहे। ग्लोरिया, ये हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप इनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, एक बार फिर पिता परमेश्वर वीडियो देखने वाले लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करे और उन्हें आशीष दे, और इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा उनके जीवन बदलने पाए और वो आपको बताने पाए कि वो कहां से गिरे हैं, और परमेश्वर आप उन्हें उठाएं और उनके जीवन में काम करे प्रभु, और उन्हें चंगाई और शिफा दे। प्रभु जी आप दया करें और आशीष दे। पिता तेरे हाथ में हम सब बहन भाइयों को सौंपते हैं प्रभु, और आशीष देते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु आपको भी आशीष दे, और वीडियो को देखने वाले भाई बहन बेटा बेटी, प्रभु आपको भी आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।